गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज भी हम अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है ZIMP टूल वो हम करेंगे। हमने लास्ट टाइम भी टूल्स पढ़े थे, ठीक है। आपने ये आई होप आपने ये सब कर लिया होगा बेटा, ये सारे टूल्स आपने मार्क किए थे। ओके बेटा, तो हमने ये चैप्टर रीड कर ये पेज कर लिया था ये पेज कर लिया था जिसमें मैंने आपको ये बताए थे जिटर क्या होता है। ओके, जिसमें आपने ये किया था कि ये जो इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर टूल, वो आपने किया था, ठीक है। अब हम कर रहे हैं आगे फ्लिप टूल। फ्लिप टूल में क्या है बेटा, फ्लिपिंग का मतलब होता है जब आप एक पिक्चर को उल्टा कर देते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्लिपिंग। ओके, फ्लिपिंग एन इमेज मीन्स गेटिंग मिरर इमेज, यानी जैसे अगर हम खड़े हैं तो मिरर में जो इमेज आ रही है वो हमारी फ्लिपिंग इमेज है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है हमारी फ्लिप टूल से होती है। तो यही अगर हमें ऐसी पिक्चर क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम GIMP में फ्लिप टूल बनाते हैं जिससे हमारी पिक्चर ऐसी लगे जैसे मिरर में शो हो रही है। ओके, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं और वर्टिकली भी ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो और सीखो, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे ये ओरिजिनल इमेज है, इसका हॉरिजॉन्टल फ्लिप ये हो गया, ठीक है, देखो उल्टी नहीं हो गई, जैसे यहाँ पे ये चीज यहाँ थी ये यहाँ हो गई, तो फ्लिपिंग हो गई इससे। तो ये कैसे करना है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट द फ्लिप टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के अंदर आपका फ्लिप टूल होता है, उसको आपने सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने उसमें ट्रांसफॉर्म टूल पे जाके फ्लिप करना है। ओके, करते ही आपकी जो भी पिक्चर होगी वो क्या हो जाएगी, फ्लिप। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी, अगर वो वर्टिकल है तो वर्टिकल फ्लिप हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टूल है रोटेट टूल। रोटेट टूल तो आपको पता ही, आप मोबाइल में भी करते हो कि पिक्चर को रोटेट करना, कौन से एंगल पे रोटेट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये GIMP में भी है। तो जैसे अब आपके पास ये फ्लावर है तो इस फ्लावर को आपने रोटेट करना है, तो देखो ये रोटेट होके कैसे हो गई, डायगनली हो गई। तो इसको रोटेट करने के लिए हमारा जो रोटेट टूल होता है वो इस तरह से यूज होता है जिसमें आप इंचेस की हेल्प से इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे है रोटेट टूल आपका, देखा बेटा यहाँ पे ये है रोटेट टूल, ये है आपका रोटेट टूल, ठीक है। उसके बाद अब आपका है प्रस्पेक्टिव टूल। प्रस्पेक्टिव टूल का मतलब है जब आप ऑब्जर्व करते हो वाइल ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, आपको ऐसा लग रहा है आप हाईवे पे हो, ओके, विद ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स, और आपके दोनों साइड्स पे क्या है, ट्रीज हैं, ठीक है। तो दैट आर नियर टू अस और टॉलर एंड दैट आर फार फ्रॉम अस अपीयर स्मॉलर, जब वो हमारे नज़दीक आते हैं, जब वो हमसे दूर होते हैं तो हमें वो छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो हमारे नज़दीक आते हैं तो हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है हमारी प्रस्पेक्टिव टूल से होती है। जैसे अब ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक जैसे दूर जा रहा है तो हमें क्या दिख रहा है, छोटा, लेकिन जैसे वो नज़दीक आता है तो क्या होता है, वो बड़ा दिखाई देता है। ओके, तो इस रेल ट्रैक अपीयर्स लेस वाइड एट फॉर डिस्टेंस, यही पे बोला हुआ है इन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि डू यू थिंक इट्स मेड इन सच अ वे दैट इज वाइडर नियरस्ट एंड लेस वाइड एट डिस्टेंस, क्या ये हम कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो कैसे, प्रस्पेक्टिव टूल की हेल्प से आप किसी भी इमेज को इस तरह से बना सकते हो कि अगर वो आपके पास है तो वो वाइड दिखाई दे रहा है और अगर दूर है तो स्मॉल। तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, आपका प्रस्पेक्टिव टूल की हेल्प से। इसके 4 कॉर्नर हैंडल्स होते हैं, देखो जैसे इन्होंने ये पिक्चर ली है, जैसे एक रोड की पिक्चर ली है, तो उसको प्रस्पेक्टिव टूल की हेल्प से ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे तो उसका साइज उतना ही है, लेकिन जैसे ही दूर जा रहा है तो उसका साइज क्या होता जा रहा है, कम, ठीक है। तो वो किससे हो रहा है, प्रस्पेक्टिव टूल की हेल्प से, ठीक है, क्लियर बेटा। उसके बाद आपका है ब्लर एंड शार्पन टूल। तो ब्लर तो आपको पता ही है, ब्लर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को धुंधला दिखाना, हेजी, अनक्लियर चीज जो दिख रही है उसे ब्लर कहते हैं। और ब्लर चीज को जब शार्पन करते हो आप तो वो किससे होता है, वो हम इसमें सीखेंगे। ब्लरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज अनक्लियर हो या हेजी हो तो उसे ब्लरिंग कहते हैं। तो आपने देखो जैसे अब ये पिक्चर है, ठीक है, इसमें 3 पेंगुइन है, तीनों पेंगुइन में ये भी क्लियर है ये भी क्लियर है, लेकिन ये वाला जो पेंगुइन है ये ब्लर है ना, ब्लर, तो इसे बोलते हैं ब्लरिंग। तो वो ब्लरिंग किससे हुई, हमारी ब्लर शार्पन इफेक्ट से, जो GIMP टूल में है। ओके, तो ये जो टूल है ये आपने कैसे यूज करना है, आपने सिलेक्ट करना है ब्लर शार्पन टूल टूल बॉक्स में, सब कुछ आपको टूल बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। आपने बस उसको क्लिक करना है और पिक्चर पे लगाना है तो वो आपको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका है, अब आपने जैसे इसको ब्लर तो कर दिया तो शार्पन कैसे करना है आपने इसको, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल फिगर थी, ये आपने उसको ब्लर कर दी, तो आफ्टर ब्लरिंग ये ऐसे हो गई, फिर आपने जब इसको शार्पन किया तो ये पिक्चर ऐसी हो गई,
शार्पन करते हैं, इसके ऊपर धब्बे धब्बे से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है शार्पन करना। ओके, देखो ये भी जैसे क्लाउड दे रखा है कि ओरिजिनल इमेज ये है, ब्लरिंग के बाद ऐसी हो गई। ओके, जैसे ये पिक्चर है देखो, अब इसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये मैंने एक्टिविटी लास्ट टाइम बच्चों को करवाई थी, है ना, जो लास्ट टाइम 8th क्लास थी उनको मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने क्या करना है, एक पोस्टर लेना, उसके ऊपर आपने ना कुछ पोस्टर कलर्स की ड्रॉप्स डालनी है, जैसे रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर डला हुआ है, फिर आपने उनको क्या करना है, आपने उनको सबको एक ही ब्रश के साथ ऐसे ऐसे स्मज करना है। तो इससे क्या हुआ, ये सारे कलर्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए, है ना, यहाँ पे आके मिल गए ना कलर। तो इसी एक्टिविटी के थ्रू ही हम सीखेंगे कि ये चीज कैसी हो सकती है एक पिक्चर में, ये चीज एक पिक्चर में हो सकती है बाय यूजिंग स्मज टूल। स्मज टूल ये काम करता है। ओके, तो स्मज टूल ये काम कैसे कर रहा है वो हम देखते हैं। देखो स्मज टूल ने क्या किया, जैसे अब आपके पास ये इमेज है, तो इस इमेज से आपका क्या हुआ, जैसे ये इमेज है ना, ये क्या बना हुआ है, एक ये एक डायग्राम की फॉर्म में है बेटा। इसमें क्या है, आपने जैसे एक साइज का डायग्राम होता है ना, ये उसकी फॉर्म में है, तो उसमें भी आपने क्या कर रखा है, ब्लरिंग, यानी कि व्हाइट और रेड कलर को आपने क्या कर रखा है, स्मज कर रखा है, ठीक है। तो ये आपने कैसे किया है, देखो पहले ये इमेज ऐसी थी, पहले ये इमेज आपकी ऐसी थी, देखो अब कहीं से भी कुछ भी हिला हुआ है नहीं है, लेकिन जब आफ्टर स्मजिंग ये पिक्चर कैसी हो गई, ऐसी हो गई है, ठीक है। आफ्टर स्मजिंग ये पिक्चर यहाँ से क्या हो गई, ब्लर हो गई ना, ये होता है स्मज टूल, ठीक है। उसके बाद आपका है डॉट्स एंड बर्न टूल। बर्न नाम से ही देखो, बर्न मतलब कि जहाँ पे ऐसे कलर्स हों जैसे आग, बर्न से पहले हमें क्या दिखाई सुनाई समझ आती, आग, है ना। तो जब आग जैसी चीज आ गई, इसका मतलब कौन सा टूल होगा जिससे आपकी पिक्चर के कलर्स जो होंगे वो क्या होंगे, डार्क होंगे। ओके, तो जब आप डॉट्स और बर्न टूल यूज कर रहे हो, देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक टेडी बियर की पिक्चर है, अभी इस पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप डॉट्स एंड बर्न टूल अप्लाई करते हो तो क्या हो रहा है इस पे? देखो यहाँ पे पीछे क्या हो गया है, पहले यहाँ पे कुछ था नहीं था, जैसे आपने डॉट्स और बर्न टूल अप्लाई किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, गोल्डन कलर आ गया सारा, ठीक है। तो ये सब चीजें किससे हो रही हैं, डॉट्स एंड बर्न टूल से। ओके बेटा, उसके बाद आपका है कि अगर आपको किसी की कॉपी करनी होती है पिक्चर की तो कैसे करते हो आप। तो ये देखो जैसे ये पिक्चर है, आपने इसकी कॉपी करनी है, तो थ्री कॉपीज आप इनकी कैसे करोगे, आपने क्या करना है, एक पिक्चर के एजेस को सिलेक्ट कर लेना है, एजेस होते हैं ये इसके किनारे, इनके किनारे सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी करना है और फिर कंट्रोल वी कर, जितने बार कंट्रोल वी प्रेस करोगे उनकी कॉपीज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका है बेटा ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का मतलब होता है कि जब आप उसमें कलर्स डालते हो, दिस टूल कैन बी यूज टू फिल द सिलेक्टेड एरिया, जो एरिया आपका है उसमें आप ग्रेडियंट ब्लेंड ऑफ द फोरग्राउंड एंड द बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर होता है बेटा आपका जो ऊपर होता है, और बैकग्राउंड कलर होता है जो पीछे वाला। देखो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आपका रेड है और बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। ओके, तो जब आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर दोनों को एक ही शीट पर मिक्स करना चाहते हो तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हो आप, ब्लेंड टूल की हेल्प से, ठीक है। यहाँ आप कलर्स चेंज भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने रेड ग्रीन लिया है तो आप कोई और कलर भी ले सकते हो। तो अगर आप एक ही शीट पे बैकग्राउंड लगाना चाहते हो पिक्चर के पीछे का, तो वो किसकी हेल्प से कर रहे हो आप, ब्लेंड टूल की हेल्प से। चाहे इसमें एक कलर, दो कलर ऐड करो, चाहे इसमें तीन कलर ऐड करो, चाहे फोर, चाहे फाइव, जितने मर्जी आप कलर ऐड कर सकते हो। तो इन्हें कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ग्रेडियंट स्टाइल, और ये किसकी हेल्प से हो रहा है, कौन से टूल की हेल्प से हो रहा है, ब्लेंड टूल की हेल्प से, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो ब्लेंड टूल की हेल्प से ही आपने ये सारे बैकग्राउंड्स बनाए हैं, ठीक है। इसके डिजाइंस अवेलेबल होते हैं उसमें, कि आपको सर्कल में चाहिए, आपको रेक्टेंगल में चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, तो वो सारे होते हैं उसमें। ये इसको बोलते हैं कॉनिकल, इसको बोलते हैं स्पाइरल, इसको बोलते हैं पेस्टल्स। ओके, तो इस तरह के आप बैकग्राउंड बना सकते हो ब्लेंड टूल की हेल्प से। तो यहाँ बेटा आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है। ओके, चैप्टर नंबर 5 यहाँ खत्म हो रहा है। तो आपने जब तक इसको बेटा प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। आपने इस GIMP सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको ट्राई करके देखो, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा।
ओके बेटा, आप ट्राई करोगे ना तो आज मैं आपका जो भी होमवर्क भेजूंगी तो आपने वो अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।